तो यार कैसे हो। तो फिर से हम आ चुका है एक ब्रांड न्यू न्यूज डिवाइन टॉपिक के वीडियो में। तो यार आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा 7 लैक्स यूसी का इन्वेंटरी। तो यार आप सभी गॉर्निक्सन गेमर का तो नाम सुना ही होगा, जो बहुत ही अच्छा अच्छा टिप्स एंड ट्रिक का वीडियो लेकर आता है। मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा गॉर्निक्सन गेमर का 7 लैक्स यूसी का इन्वेंटरी। तो यार आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूँ, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया जिसके अंदर मैंने एक ट्रिक ढूंढा हूँ जो आज तक किसी यूट्यूबर ने आप लोगों को शायद नहीं दिखा, इसलिए इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर चेक करना, नहीं तो आप बड़ा सीक्रेट टिप्स मिस कर जाओगे। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके जरूर देख लेना। और हाँ, नीचे जो लाल वाला बटन है ना, उसका सिर्फ कलर चेंज कर देना, कुछ नहीं करना, सिर्फ कलर चेंज कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं आज का हमारा वीडियो की टॉपिक की तरफ। तो चलो गाइस, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इन्वेंटरी। भाई ये रही हेडफोन में, बहुत ही तेज आवाज है इसकी। यहाँ पे देख सकते हो आप कुछ मेथिक्स तो देखने को मिल जाएंगे, जो कि मुझे देख के काफी अच्छा लग रहा है कि मेरी इन्वेंटरी में इतने सारे मेथिक्स हैं। इसमें खासकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आरपी के हैं, बट स्टिल हमारे पास मेथिक हैं। हर सीजन मैंने आरपी लिया है और मैक्स करी है भाई, तो हमारे पास आरपी के आउटफिट्स हैं। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरे पास है एक टाइम ट्रेवलर सूट जिसकी क्रिएट ओपनिंग मैंने बहुत पहले की थी, अगर आप लोगों को याद हो तो 1 साल पहले, क्योंकि काफ़ी अच्छी चली थी, मिलियन व्यूज़ गए थे उस पर यार उस टाइम पर। गाइस यहाँ पे अभी हम लोगों का गोल्डन फैरो एक्स सूट 3 स्टार, इसको मैं लेवल मैक्स तो करूंगा डेफिनेटली, बट थोड़े दिनों में करूंगा। अभी हमारे पास ये लेवल 3 का है, वो भी बहुत, और ये तो आरपी वाला गाइस अगर आप लोगों को याद हो तो। बट इसमें आरपी का वो क्यों नहीं लिखा, पता नहीं गाइस इसमें आरपी वो क्यों नहीं लिखा, बट ये आरपी वाला है मुझे यहाँ तक याद है। और ये भी आरपी, चलो ये तो आरपी वाले में दिखा नहीं रहा। और गाइस ये एक देख सकते हो, वॉरियर ऑफ नट सेट, तो ये भी मुझे फेरो की स्पिन से मिला था। तो ये कुछ मिथिक्स आउटफिट है मेरे पास जो कि अच्छी अच्छी है, और मैं आपको लेजेंडरी आउटफिट दिखाता हूँ जो थोड़ी यूनिक है। तो यहाँ पर ये यटी सूट मेरे पास एक यूनिक है और काफ़ी अच्छा, आप देख सकते हो भाई, फुल बूम बाम फार क्राई 4 की याद दिला देता है ये मेरे को, अगर आप लोगों को याद हो तो। और यहाँ पर ये कुछ नॉर्मल, ये मुर्गे वाला थैंक्स गिविंग चिकन सेट, पहली बार इसका नाम पढ़ रहा हूँ, थैंक्स गिविंग चिकन सेट, वो तो टर्की होती है ना शायद, आई डोंट नो। बट गाइज यहाँ पर ये भी है मेरे पास एक लेजेंडरी ड्रेस इमोट नहीं। और गाइज ये देख सकते हो भाई, पता नहीं क्या हो गया इंटरनेट को, बट मैं आपको वो वाली आउटफिट देख सकते हो, क्रो सेट। गाइस क्रो सेट जो है ना, ये काफ़ी यूनिक है क्योंकि ये दूसरे सर्वर में आया था और इसको सिर्फ वही बंदे ले सकते थे जिन्होंने 15,000 यूसी स्पेंड की थी, और फॉर्चुनेटली मैंने की थी उस टाइम, तो मैंने दूसरे सर्वर से ये वाला आउटफिट ग्रैब कर लिया। काफ़ी लोगों के पास हो गई है जिन्होंने 15,000 की थी और उनको उस बारे में पता था। और वैसे तो कुछ खास है नहीं अब यहाँ पे, ये आरपी वाले ही हैं, और तो ये गाइस रिसेंटली मिला था बट स्टिल बेकार है। और यहाँ पे गाइस मैं आपको कुछ नॉर्मल दिखा देता हूँ, प्रिजन वाला जो कि मैंने अपनी एक फ्लॉप मूवी में यूज़ किया था पबजी की। यहाँ पर ओके ये भी है गाइस, एक विंटर माउंटेनियर सेट, ये मैं पहले पहनता था, ये मेरी आउटफिट हुआ करती थी सीजन 3 में। तो ये भी अपन लोग गाइस बढ़ते सीधा हेड गियर की तरफ, और हेड गियर में आप देख सकते हो मेरे पास 8 मिथिक हैं, जिसमें से कि टाइम ट्रेवलर का है ये पूरे सेट का, और ये गाइस गॉड निक्सन की ऑफिशियल ड्रेस सी सर्पेंट सेट का हेड गियर है ये, तो ये भी काफ़ी ओपी है। और यहाँ पे गाइस हेड गियर मेरे पास अच्छे अच्छे हैं, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इनग्रेज मैंने सही पढ़ाना है पता नहीं, तो यूनिकॉर्न कवर ये भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर है भाई ये देखो लियो हेड पीस, काफ़ी मस्त है ये भी, लियो हेड पीस भी काफ़ी ओपी लगता है। और ये क्या है भाई यहाँ पे, नट क्रैकर मास्क, चलो ये भी गाइस इतने मास्क वास्क में वेस्ट नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करता, जल्दी जल्दी इन्वेंटरी कवर कर दो, इतना कुछ है नहीं दिखाने को। अब हम लोग भाई ये क्या पहन लिया सर, गाइस चश्मे में हमारे पास है एक लेजेंडरी चश्मा, ब्रिलियंट ग्लासेस भाई, बिल्कुल ही ब्रिलियंट लग रहे हैं ये, लेकिन हम आइटम फुल कोई बात नहीं, इसको मैंने कहीं और रख रखा होगा शायद। और गाइस यहाँ पे मास्क से हमारे पास 5 मिथिक है, जिसमें से ये देख लो गाइस फुल सेट जो कि मेरे को मिला नहीं, मैंने ग्रेट ओपनिंग की थी भाई, बहुत दुख भरी कहानी, मेरा फेवरेट सेट का पूरा सेट नहीं मिला। और ये इन्वर्टर का है मेरे पास, और ये 3 2 आरपी के हैं और एक जो आपको परचेज करने में मिलता है फर्स्ट। और यहाँ पर गाइस ये वाला जो है, ये मैं पहले यूज़ करता था अपने आउटफिट्स के लिए, मतलब मेरा ये क्या है भाई, ओके गाइस ये सीजन 13 में मिला भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा है, नाइस काफ़ी मस्त बनाया ये देखो मॉन्क वाली फील आ रही है मेरे को। अब टी शर्ट भाई, टी शर्ट में आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास है एक लेजेंडरी रेंजर हुडी भाई, रेंजर हुडी जो है ना, ये मैं पहले बहुत पहनता था, और आपको बताऊंगा ये शायद अथीना की अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये ऑफिशियल ड्रेस है, तो भाई बहुत अच्छी लगती है रेंजर ड्रेस। और ये ट्रेंच कोट गाइस जब अपने ज़माने में आया था ना, आप लोग मे बी इसको जज मत करना, जब अपने ज़माने में आया था तो जब इसके सिल्वर फैक्ट देखे थे ना कि इतने से रीडिंग सबकी फट गई थी, कोई नहीं करता था क्रिएट ओपनिंग। हमारे पास गई ये स्कर्ट है यहाँ पर जो कि है मिथिक, तो मेरे पास एक मिथिक स्कर्ट भी है, जूते में सब बेकार है, बस मेरे पास एक ये वेव सूट वाले जूते हैं जो कि मैंने ओपनिंग की थी, मुझे यूएस वेस नहीं मिली। हेलमेट में गई मेरे पास एक मिथिक हेलमेट है, और बाकी सब हेमलेट है गाइस, बाकी सब नॉर्मली ग्लेशियर वाला पर्ल हंटर हेलमेट, ये चलो अच्छा, ये हेमलेट अच्छा लग रहा है।
कमाल होता है बैग की तरफ। तो गाइज बैग मेरे को फॉर्चुनेटली, ये भाई क्या सेक्सी बैग है, आपको दिखाता हूँ मैं, देख रहे हो गाइज ये फेरोज बैग पैक भाई भाई भाई। मैंने दूसरा वाला स्किप इसलिए कर दिया, मैं पढ़ा नहीं गया वो फेरोज का क्या लिखा है। तो गाइज ये जो इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल किया है लोगों ने, इतना मतलब भाई बहुत ही मस्त, मेरे को तो बहुत पसंद आया ये बैग पैक। और बैग पैक मेरे पास थोड़े यूनिक यूनिक हैं, आप लोग देख सकते हो, फुटबॉलर वाला भी है और फूल वाला भी है, इन्वेडर भी है, और यहाँ पर गाइज ये वाला भी है, डायनासोर वाला जो आया था, पेंगुइन वाला भी है। तो बैग पैक मेरे पास थोड़े बहुत एक्स्ट्रा है, और ये मेरा पहला ऑफिशियल बैग पैक हुआ करता था, अगर आप लोगों को याद हो, ओनली ओजी फैन नोज। और गाइज यहाँ पर आते हैं हम लोग गन्स की तरफ। तो गन्स हमारे पास टड़ा वंडरर M416 लेवल 7 की फुल्ली मैक्स अपग्रेडेबल, कितनी तेज बोलिया मैं गाइज। तो ये मेरे पास एक अभी स्किन है फुल्ली मैक्स, यस एक ही स्किन है। और गाइज यहाँ पर हमारे पास फुल भी है लेवल 5 की, फुल मेरे को बिल्कुल निकालनी नहीं थी, बट फुल सेट नहीं निकला तो फुल बन गया मैं। तो मुझे यार ये, मैंने सोचा लेवल 5 की फुल ही कर लेता हूँ, इतनी बार M4 निकल गई है। और यहाँ पे M4 की स्किन थोड़ी बहुत है, बट इससे ज़्यादा तो यार ऑलमोस्ट हर किसी बंदे के पास ही होती है यार, नॉर्मली है, बट अपग्रेडेबल है वो चलेगी। क्रोजा की स्किन भाई बिल्कुल जल्दी स्किप करेंगे हम लोग, आपको स्कारिल की दिखाता हूँ, एक ही लेजेंडरी स्किन है स्कारिल की, शर्म आ रही है दिखाते हुए। और यहाँ पे M16 की भी एक ही लेजेंडरी स्किन है, और भाई AKM की मेरे पास 4 लेजेंडरी स्किन है, जिसमें से 1 RP की है, 3 मेरी मेहनत खून पसीने की कमाई की है, सॉरी 2 RP की है, इसमें RP लिखा हुआ नहीं है। बिकॉज यहाँ पर हम लोग आते हैं AUG की RP की, यार ये RP की ही स्किन है गाइस, मेरे पास नहीं है स्किन गन की, यहाँ पे QBZ की। और भाई यहाँ पे देख सकते हो बैरल की मेरे पास दोनों RP की स्किन है। और ये म्यूटेंट जल्दी से जल्दी जितना स्किप कर सकता हूँ तो जल्दी स्किप कर देता हूँ मैं। और मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस US में, मतलब सॉरी गाड़ियों में, तो मेरे पास ये US है, क्या बोल रहा हूँ, गोल्डन बोलने वाला था, गॉडज़िला US, जो कि मेरी ऑफिशियल, क्योंकि गॉडज़िला का हर सेट है मेरे पास, वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो मेरे पास US है, व्हीकल मैं आपको दिखाता हूँ, फिर बचे कुछ आपको मैं गन्स दिखा दूंगा, और बाकी तो RP की थी, और ये मेरे पास एक RP की ही US की स्किन है। और यहाँ पे गाइस जाते पिकअप ट्रक में कुछ नहीं है US में, मैंने आपको दिखा दिया। सेडान में एक ये वाली स्किन मिली थी ब्लड लोटस डासिया, थोड़ी बहुत ठीक है। और ये वाली गाइस स्केलेटन हैंड, गाइस मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, स्केलेटन हैंड जब ये मेरे को मिली थी ना, बहुत कम डासिया की स्किन हुआ करती थी लोगों पर, तो चौड़ थी भाई उस टाइम, मेराडी वराडी कुछ नहीं है। मोटरसाइकिल में आते गए, तो मैंने फैंटम मोटरसाइकिल लेवल 5 की कर रखी है, और क्यों कर रखी है, क्योंकि मुझे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बनानी पड़ती है, मतलब मोटरसाइकिल की मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बना रहा था आपको पता है पहले, और अभी मैं बनाने की सोच रहा हूँ, तो मैंने सोचा चल एक बार निकल के तो कर लेते हैं। गाइस ये MWT9B है मेरे पास, जो कि यामा की बहुत ही मस्त स्किन, और ये अंडे वाली बाइक का पता नहीं क्या करेंगे, अंडे वाली बाइक क्यों बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं, चिकन वाली बाइक। यहाँ पे गाइस फुल सेट के निकालते हैं, हमें दर्दनाक जब भी मैं देखता हूँ हमें मिली नहीं, बट हमें ये मिल गई थी फुल सेट की थ्री व्हीलर एंटो की याद आ गया, ट्री व्हीलर बोलते हो। तो गाइस यहाँ पे बग्गी की स्किन आप देख सकते हो, बग्गी की एक मेरे पास लेजेंडरी है जो कि RP की है, नहीं गाइस एक स्किन है मेरे पास गाइस, ये पास्ट ग्लोरी बग्गी, ये बहुत ही मस्त बग्गी है, मतलब देख लो कांटे वाटे नहीं, ये वंडरर जो M4 रायन बग्गी भी है गाइस मेरे पास, ये भी बहुत क्यूट टाइप की बग्गी है, काफ़ी अच्छी है। तो गाइस व्हीकल्स हो गया, अभी मैं आपको गन्स बच्चे कुछ दिखा देता हूँ, मैंने AK M4 तो दिखा दिया आप लोगों को, अब मैं गाइस दिखाता हूँ बोल्ट एक्शन में। तो बोल्ट एक्शन में गाइस मेरे पास है टेरर फैंग कार 98, मैंने आपको पता नहीं अनइक्विप कर दी, ये लेवल 4 की गाइस स्किल मैसेज तक ही अच्छी लगी मेरे को, क्योंकि इसके बाद ये रेड हो जाती है, और मेरा पूरा थीम ब्लू है, तो मैंने इसको रेड करने का नहीं सोचा, तो सोचा ब्लू में ही मस्त लगेगा, वो बात अलग है कि मेरे पास मटेरियल वेटेरियल कुछ नहीं था जो रेड कर दूँ। और यहाँ पे गाइस बची कुछ ही M4, पता नहीं रेड इतना क्यों हग रहा है भाई, इतनी देर लग रही है स्किन अप्लाई होने में। गाइस मेरे पास M24 की भी अपग्रेडेबल स्किन है, बट मैं स्नाइपर बिल्कुल नाके बराबर यूज़ करता हूँ, तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा इसको ओपन करने का, मतलब अपग्रेड करने का ऑब्वियसली। अब गाइस यहाँ पे मैं आते हैं SKS की स्किन, गाइस ये नॉर्मल सी है, MK14 की भी नॉर्मल सी है, और M-Mini 14 की भी नॉर्मल सी है, VSS भी नॉर्मल है, SLR भी नॉर्मल है, और सब कुछ नॉर्मल ही है, लाइक होल इन्वेंट्री। और उजी गाइस मेरे पास एक बेकार सी उजी है, बट गन की स्किन शायद हर, मतलब स्किन मेरे पास हर गन की है, पता है कुछ बची होंगी, मतलब गाइस कुछ गन्स बची होंगी, ऐसा नहीं कि सारी स्किन्स में से कुछ बची होंगी। वेक्टर है यहाँ पे मेरे पास, वेक्टर की भी दो स्किन है काफ़ी ठीक ठाक सी, थॉमसन, और ये गाइस इसको जल्दी से शॉर्ट गन पे आते हैं अपन। शॉर्ट गन पे गाइस एक ही स्किन बेकार सी, लाइट मशीन गन, तीन गन है मेरे, तीन स्किन्स हैं यहाँ पर। DP गाइस, DP मेरे पास RP वाली, पिस्टल में आपको दिखाने लायक कुछ है नहीं, मिली मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, मैं पैंस दिखा सकता हूँ क्योंकि पैन मेरे पास दम है एकदम भर के गाइस, अपना ऑफिशियल बूम गाइस वाला पैन #BoomGuys कर देना। और गाइस अगर अभी तक ये वीडियो देख चुके हो तो आपको होपफुली पसंद आ रही होगी, और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखने को मिलेंगे, तो मेक श्योर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। और गाइस यहाँ पे मैं आपको कुछ पैंस दिखाता हूँ लेजेंडरी, भाई ये देख रहे हो गॉडज़िला वाला पैन है भाई, गॉडज़िला
दोनों गॉडजिला पर वाला गॉडजिला वाले प्लान है मेरे पास, प्लान नहीं पैन सॉरी। और गाइज यहाँ पर और भी कुछ छोटे, ये देखो भाई कितना अच्छा पैन लग रहा है ये, बट इसको कोई मैं खुद ही यूज़ नहीं करता, कोई क्या यूज़ करेगा। और ये पेन पता नहीं मेरे पास कहाँ से आ गया। और सिकल में अपने पास कुछ नहीं है, क्रोबार में अपने पास ये गुलाब है जो कि मैं दूंगा नहीं। और यहाँ पर हमारे पास दो मशेटी हैं जो कि अच्छी लग रही है। और गाइस व्हीकल्स मैंने आपको दिखा दिया ऑलमोस्ट सारे। अब हम लोग बढ़ते गए इस प्लेन फिनिश की तरफ। प्लेन फिनिश आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके की हमारे पास प्लेन फिनिशेस हैं जो कि नॉर्मल ही हैं। और ये गाइस ये एक अच्छी प्लेन फिनिश है गॉडज़िला वाली जो कि थोड़ी यूनिक है। और जब भी मेरा प्लेन वैसे मैं हाइड करके रखता हूँ ऑल द टाइम, बट जब भी ऊपर आता है और ये वाली स्क्रीन रहती है तो थोड़ा यूनिक लगता है। गाइस आते हम लोग पैराशूट की तरफ, तो पैराशूट भी काफ़ी सारे हैं मेरे पास, बट भाई फेरो वाला जो पैराशूट है ना बिल्कुल ही अलग है गाइस, ये बिल्कुल ही मस्त लग रहा है। और दो लेजेंडरी पैराशूट है मेरे पास, और ये फेरो वाला यार ओपी, मतलब बहुत ही ओपी। और इतने सारे पैराशूट तो आप देख ही सकते हो, पैराशूट काफ़ी है यार। नीड की स्किन ये फेरो वाली मिली थी, उतनी खास नहीं है। आई गेस मैंने ऑलमोस्ट सब कवर कर दिया गाइस। तो यार आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसके बाद आप लोगों को किस तरह का वीडियो चाहिए जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ जरूर उस सीक्रेट टिप का जो वीडियो है वो जरूर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा। जय हिंद।